This is introduction part of chapter 3 matrices of class 12th. तो आज जो हमें चैप्टर शुरू करना है वो है मैट्रिसेस का. मैट्रिसेस की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है जो है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. इसकी बात बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मैट्रिसेस का जो एक्चुअल यूज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग से लिया गया वो क्या था, कि हमें इसे मैट्रिक्स का यूज़ किस में करना था. लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो उन्हें सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस जैसे ये या फिर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7. ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस, यानी इनकी जो कोफिश x और y की जो पावर है वो कितनी है, 1 है. तो ये क्या होती थी, लीनियर इक्वेशंस. अब ये दो वेरिएबल में और तीसरे वेरिएबल में भी हो सकती है, जो है 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 7. तो इसका जो पिछला कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो किस काम आता था, जो एप्लीकेशन थी मैट्रिसेस की, वो थी कि हम किसी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे. ये हो गई लीनियर इक्वेशंस जो है कि टू वेरिएबल्स में, और ये है लीनियर इक्वेशन जो है हमारी थ्री वेरिएबल्स. बट जैसे जैसे मैथ्स और एडवांस होते गई, इनका यूज़ हमारे रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी अप्लाई होने लगा. अब वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स किस तरीके की हैं वो अभी करेंगे, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है. और क्लास ट्वेल्थ में जो हमें पढ़ना है वो इनके बारे में एलजेब्रा, मैट्रिसेस ऑफ एलजेब्रा और फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है मैट्रिसेस के. और जो इसकी एप्लीकेशन है, जो मैंने शुरू में बताई, क्या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, वो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स करने के बाद. यानी जब हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एक्चुअल एप्लीकेशन जो लगेगा किसमें, सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस को. तो उससे पहले इसका मैं रियल लाइफ में एक एप्लीकेशन दिखा दूं मैट्रिसेस का. मैट्रिसेस है क्या, ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर मैं बोलूं एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए हैज़ 15 नोटबुक्स. एक पर्सन है उस जिसका नाम ए है, उसके पास कितनी है, 15 नोटबुक है, 15 नोटबुक्स है. तो क्या इस इन्फॉर्मेशन को, ये जो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है ना, इस इन्फॉर्मेशन को मैं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर सकता हूँ क्या, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट. तो उसका जवाब है यस. तो इसे मैं कैसे लिखूँगा, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या ए हैज़ 15 नोटबुक्स. और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ रखा है कि ये जो 15 डिनोट कर रहा है, ये किसे डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ नोटबुक्स को डिनोट कर रहा है. ठीक हो गया, ये तो रहा एक छोटा सा एग्जांपल. अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ. अपडेट क्या करूँगा, पर्सन ए हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेंस. एक पर्सन है जिसके पास क्या है, ए पर्सन है, उसके पास 15 नोटबुक है और क्या है, 6 पेन है. तो इस इन्फॉर्मेशन को अब मैं अपडेट करने वाला हूँ, तो इसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में दिखा सकता हूँ. वो क्या होगा, मैंने लिखा यहाँ पे 15 और बगल में लिख दिया 6, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जो पहला एलिमेंट है ये किसे डिनोट करेगा, नोटबुक को, नंबर ऑफ नोटबुक को, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसे डिनोट करेगा, नंबर ऑफ पेन्स को. इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा और क्या करते हैं, अपडेट करते हैं और मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होती है उसे समझते हैं, इस डेफिनेशन को समझते हैं. अब मैंने कहा ए का दोस्त बी है और उसका एक और दोस्त है सी. अब बी के पास क्या है, बी हैज़ 20 नोटबुक. बी के पास कितनी नोटबुक है, 20 नोटबुक है, और सी और पेन कितनी है, 10 पेन्स है बी के पास. ये क्या कर दी, इन्फॉर्मेशन और अपडेट कर दी. तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये अरेंजमेंट जो हमने किया इसे भी अपडेट करना पड़ेगा. तो इस अरेंजमेंट को जब मैं अपडेट करूँगा तो 15 क्या कर रहा था, मैंने पहले बताया है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है कि यहाँ जो भी एलिमेंट उतरेंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ नोटबुक को रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 के नीचे 20, क्योंकि 20 नोटबुक है, और पेन कितनी है हमारे पास, 10. और यहाँ वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ पेन्स को. और एक और दोस्त लिया जो है सी, हैज़ कितनी नोटबुक्स, चलो इसके पास भी 15 नोटबुक्स हैं एंड 6 पेन्स हैं. तो इसमें भी अगर मैं चलो 6 की जगह पे 7 पेन्स कर देते, नहीं तो ए और बी का सेम हो जाएगा. तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सेम इसी तरीके से 15 लिखूँगा और पेन्स की जगह पे 7
पेंस लिखूंगा। तो मेरे पास क्या था, एक कहने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स है क्या रियल लाइफ की अगर बात करें तो, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में भी, उसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर सकता हूँ। रेक्टेंगुलर एरे बोलें या फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलें, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये जो डिस्प्ले किया मैंने या फिर ये जो अरेंजमेंट किया मैंने, इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो मैट्रिसेस है, जो चैप्टर का नाम है, मैट्रिसेस होता है प्लूरल, मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है एक सिंगल मैट्रिक्स के लिए। तो अब डेफिनेशन रीड करते हैं। अब मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड यूज़ किया गया, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। वो कैसे, मैंने अगर यहाँ पे नोटबुक लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ़ नोटबुक, तो यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर ऑफ़ नोटबुक ही आएंगे। यहाँ पे मैंने लिखे नंबर ऑफ़ पेंस, तो इस रे में क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेंस ही इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये कैसा ऑर्डर है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट है, किसका, नंबर्स का। ये सारे क्या हैं, सारे क्या हैं हमारे पास, नंबर्स। हम नंबर्स को भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रख सकते हैं और फंक्शंस को भी रख सकते हैं। हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो मैंने एक सिंपल सा ले लिया साइन एक्स कॉस एक्स, फिर मैंने ले लिया टेन एक्स या फिर कॉट एक्स। तो ये क्या है, एक फंक्शंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स ही नहीं फंक्शंस को भी एक मैट्रिक्स में शो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मैट्रिक्स क्या है, कोई हमारे पास एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसे हमने किस तरीके से डिस्प्ले कर दिया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में डिस्प्ले कर दिया और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इस मैट्रिक्स को डिनोट किससे कर सकते हैं हम, ये तो मैट्रिक्स लिख दी मैंने, डिनोट करने का यानी इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दूँ, तो नाम हमेशा क्या दिया जाता है, कैपिटल में दिया जाता है, और इसको मैं कैपिटल एक्स दे देता हूँ। इसको ए भी दे सकते थे, बट यहाँ पे पर्सन ए है तो पहले ही मेंशन कर दिया मैं, इसलिए एक्स रख रहा हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट उठा के यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ए बी सी, बट कैपिटल में डिनोट किया जाएगा। तो मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एक्स से। अब मैट्रिक्स करने के बाद, मैट्रिक्स समझने के बाद जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, वो होती है रोज समझना और कॉलम समझना, रोज एंड कॉलम। रोज हम कहेंगे आर ओ डब्ल्यू एस, रोज, इसे हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। रोज को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी बैठी हुई लाइन, यानी इस तरीके से। तो अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, यानी कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है और उनमें एलिमेंट मिल रहे हैं हमें। पहली एक ये रो हो गई, ये वाली रो, इसमें कितनी क्या है, एक तो जा रही है क्या, बैठी हुई लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और क्या है, पहली रो है ये वाली। ऐसी इसी तरीके से ये क्या है, दूसरी रो है, और ये क्या है हमारे पास, तीसरी रो है, जिसमें एलिमेंट क्या है, 15 और 7 है। दूसरी रो में क्या है, 20 और 10 एलिमेंट है, और तीसरी रो में क्या है, 15 और 6 एलिमेंट है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम वैल्यू रखते हैं, नंबर्स या फंक्शन, उसे हम एलिमेंट कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एलिमेंट्स। 20 क्या है, एक एलिमेंट्स, 10 एक एलिमेंट्स। तो ये कितनी रोज हो गई हमारे पास, 3 रोज हो गई, किस मैट्रिक्स की, एक्स मैट्रिक्स की। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स मैट्रिक्स हैज़ 3 रोज। रोज एक बार फिर बता दूँ, रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट करता है, यानी कि बैठी हुई लाइन। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है कॉलम, सी ओ एल यू एम एन। कॉलम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, रोज हो गया एम, कॉलम हो गया एन। अब कॉलम क्या होता है, ये होता है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि वर्टिकल लाइन। ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी बैठी लाइन है, तो कॉलम क्या होंगे, वर्टिकल लाइन यानी स्ट्रेट खड़ी हुई लाइन। तो इस मैट्रिक्स में, एक्स मैट्रिक्स में कितने कॉलम, कितनी वर्टिकल लाइंस है, एक तो ये हो गई जिसमें एलिमेंट क्या है, 15, 20 और 15 है, और एक दूसरा है जिसमें क्या है, 6, 10 और 7 है। तो यानी कि एक्स मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, 1 एंड 2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स मैट्रिक्स हैज 3 कॉलम्स। तो एक्स मैट्रिक्स के पास कितने कॉलम हो गए, हमारे पास 3 कॉलम हो गए। तो इस तरीके से हम रोज़ और कॉलम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ज़रूरी नहीं इसी मैट्रिक्स का, अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स होती है उसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं, रोज़ और कॉलम। रोज़ हम डिनोट करेंगे एम से, कॉलम डिनोट करेंगे एन से।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करना है इसी का है, बस क्या करना है उसमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो उसे करते हैं हम लोग, पहले से जितना ये चीज़ लिखा है इसे आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हम इसी एग्जांपल से समझेंगे, इसलिए मैंने इसे अभी मिटाया नहीं है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, सपोज दैट ये एक्स मैट्रिक्स है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स हैं वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इस एक्स में कितनी है, थ्री रोज थी और टू कितने थे कॉलम्स है, सॉरी ये कितना है, टू कॉलम्स हैं। तो इस एक्स मैट्रिक्स में क्या था, तीन रो थी और दो कॉलम थे। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो वो क्या होगा, एक्स हैज़ एम क्रॉस एन ऑर्डर। एम अभी बताया था, एम किसे डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रोज को, और एन किसे डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो एक्स हैज़ एम क्रॉस एन ऑर्डर कहने का मतलब है ये हुई जनरल फॉर्म, एक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकती थी और एम क्रॉस एन की जगह पे कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा, इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूँ तो वो होगा एक्स हैज़ थ्री क्रॉस टू ऑर्डर। यानी ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो थ्री क्रॉस टू का है, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एक्स इज थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स। यानी कि जो एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास वो कैसी मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, थ्री हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टू हैं। चेक भी कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, वन टू थ्री, और कॉलम्स कितने हैं, टू है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स अगर इन जनरल मैं बताऊँ क्या बताता है हमें, कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने तो कर ली, एम क्रॉस एन डिनोट करता है। अब अगर m क्रॉस n की जगह मैं बात करूं mn की, तो ये क्या दे देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। अगर मैं सिर्फ mn लूं, अगर इस केस की बात करूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि कितना होगा, 6 होगा, तो ये क्या दे देगा कि 6 क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो 6 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स x। तो अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, जो m है यानी कि नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उन्हें जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो भी आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर इस केस की बात करें तो रोज कितनी, थ्री, और टू कॉलम थे, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिक्स एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब इस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी दूसरी तरीके से लिखूं, दूसरी तरीके से कहने का मतलब है ये जो रो है इन्हें क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। यानी कि अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स में एक्स डैश से डिनोट कर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैंने जब वर्टिकल लाइन थी, जब कॉलम की बात थी, तब मैंने क्या करा, सब जगहों पर क्या करा, एक क्या लिखे, नोटबुक की इन्फॉर्मेशन लिखी। अब मैं ये नोटबुक की इन्फॉर्मेशन हॉरिजेंटल लाइन में लिख देता हूँ, यानी कि 15, 20, 15 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अब मैं लिखूँगा 15, 20 एंड 15, 15, 20 एंड देन 15। अब इसके बाद क्या, 6, 10 एंड 7, 6, 10 एंड 7, और ये किसे डिनोट करेगा, नीचे वाली लाइन, ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ पेन्स को। तो अब इस केस में हमारा ऑर्डर क्या हो गया, इस केस में हमारा ऑर्डर हो गया, देखो दो रो है हमारे पास, एक रो दो रो, यानी कि m की वैल्यू कितनी है, टू, और n कितना है यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, वन टू एंड थ्री। तो इसे इस तरीके से हम मैट्रिक्स में डिनोट करते हैं किसी के भी ऑर्डर को, यानी टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री हमें क्या डिनोट करेगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, m क्रॉस n, m कितना है, 3, और n कितना है, 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या दिखाएगा हमें, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। और अगर इन जनरल बात की जाए तो m क्रॉस n से डिनोट कर सकते हैं हम किसी के भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। अब
ऑर्डर करने के बाद हमें जो दूसरी चीज़ करनी है वो है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ समझते रहेंगे कि जनरल फॉर्म किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं। तो इतनी पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन नोट करें और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म कैसे निकाली जाती है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला या मेथड कह सकते हैं, ये है ए इज इक्वल्स टू, ए डिनोट कर रहा है किसी भी मैट्रिक्स को, ए आई जे एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन हमें पता ही है, अभी एम क्रॉस एन हमें पता ही है, ये किसे डिनोट कर रहा है, रोज़ और कॉलम को, या फिर मैं कहूँ ऑर्डर को, यानी कि ये बताएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब ये जो आई और जे है ये डिनोट कर रहा है हमारा किसे, रोज़ और कॉलम की पोजीशन को, रोज़ और कॉलम की पोजीशन को। ध्यान से सुनना, दोनों में फ़र्क है। एम और एन किसे डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम को पूरी मैट्रिक्स में, और आई और जे डिनोट करेगा पोजीशन को। अब इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसमें कि थ्री क्या हो आपके पास, नंबर ऑफ़ रोज़ हो, और थ्री क्या हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो, यानी कि थ्री क्रॉस थ्री की, यानी कि एम क्रॉस एन थ्री क्रॉस थ्री होगा, इनकी एम और एन की वैल्यू क्या है, बराबर ही है। तो इस केस में हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहला तो हो गया मैट्रिक्स का डिस्प्ले करने का तरीका। इसके बाद क्या करना है, थ्री क्रॉस थ्री बोला मैंने, तो यानी कि इसमें होगा क्या, तीन रोज़ होंगी, एक दो तीन, तीन रोज़ होंगी और तीन क्या होंगे, कॉलम होंगे, एक दो एंड अगेन तीन। हमें बनानी है थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स जिसमें क्या होंगी, तीन रोज़ हो गई, तीन कॉलम्स हो गई, और मैंने कहा इसे जनरली दिखाना है, यानी जनरल फॉर्म में हमने इस तरीके से दिखाया। और आई और जे किसे डिनोट कर रहा है, रो और कॉलम की पोजीशन को, रो और कॉलम की पोजीशन को। अब वो उसका मतलब क्या है देखते हैं। तो ये जो पहला पोजीशन हो गया, यानी एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, पहली रो और पहला कॉलम, यही तो होगी। ये क्या है, पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तो इस यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा, अभी हमें पता नहीं है एलिमेंट क्या होगा, बस जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसकी पोजीशन क्या होगी, पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि आई और जे क्या डिनोट कर रहे हैं, रो और कॉलम की पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। और एम और एन क्या बताता है, हमारे पूरे मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे अगर दूसरा एलिमेंट आएगा उसकी क्या पोजीशन होगी, आई पहले आता है, यानी कि रो की पोजीशन पहले आती है, जैसे एम क्रॉस एन में रो पहले आती है, वैसे ही आई जे में आई पहले आने का मतलब, यानी कि रो की पोजीशन को हम पहले रखेंगे। तो पहले रो की पोजीशन क्या है, वन ही है, और कॉलम की पोजीशन चेंज हो रही है जो है टू, यानी कि ए वन वन ए वन टू। और इसके बाद अगेन अगर तीसरा एलिमेंट रखते हैं, इसमें भी क्या है, सेम तरीके है, क्या है, रो तो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू इसमें कितनी रहेगी, वन ही रहेगी, और जो जे है यानी कि जो कॉलम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो हमारे पास अगर कोई एलिमेंट हम पहली रो में रखते हैं तो हम उसे किससे डिनोट कर सकते हैं, उसकी पोजिशन को, एलिमेंट की पोजिशन को, यानी ए आई जे को ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, यानी कि रो सेम रहेगी हमारे, जस्ट क्या चेंज हो रहे हैं, कॉलम में चेंजेस आ रहे हैं, पहला वन देन टू देन थ्री। इसके बाद हमें बात करनी है बाकी बचे हुए जगहों की, यानी कि यहाँ पे भी कोई ना कोई एलिमेंट आएंगे, हमें क्या बनानी है, थ्री क्रॉस थ्री की पूरी मैट्रिक्स बनानी है। अब ये हमें रखनी है सेकेंड रो के लिए करना है, तो सेकेंड रो है, रो चेंज हो गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब टू हो जाएगी, टू, एंड पोजिशन क्या है कॉलम की, वन ही है, तो ये हो गया टू वन। देन रो क्या है, सेम ही है, टू रहने वाली है, और कॉलम की पोजीशन कितनी रहने वाली है, टू रहने वाली है, रो की पोजीशन टू है और कॉलम की थ्री है, तो ये हो गया ए टू देन थ्री। ऐसे ही इसके लिए ए थ्री वन देन ए थ्री टू देन ए थ्री एंड थ्री। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने वाली बात है, क्या आई और जे किससे डिनोट कर रहा है, पोजिशन को डिनोट करेगा, रो की और कॉलम की, यानी कि एलिमेंट किस पोजीशन में लाई करने वाला है वो हमें बताएगा ए आई जे से, और एम क्रॉस एन बताएगा हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि पूरी कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है और कितनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स है।
तो इन पूरी बातों से हमने क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स बना दी, जनरल मैट्रिक्स बना दी। इस फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर एक मेथड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो सकती थी, ये 3x2 की भी हो सकती थी, ये 3x1 की भी हो सकती थी, 1x3, 2x3 जो भी हो सकती थी, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारे के सारे बन सकते हैं, हम इसी जनरल तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको हम पूरी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ये एग्जांपल 3 है एनसीईआरटी का, इसमें क्या कहता है हमसे, कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करी थी 3x3 की मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने करनी है 3x2 की, यानी कि 3 रो होंगी और 3 2 कॉलम होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं उन्हें AiJ = ये क्या है ये अभी समझेंगे। पहले हम इसकी जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, जैसे इसमें निकाली हुई है, यहाँ पे हमें एलिमेंट्स नहीं पता थे, हमें जस्ट क्या निकालनी थी, जनरल फॉर्म निकालनी थी। मैंने डिफाइन नहीं किया कि AiJ क्या है, यहाँ पे बस डिफाइन है AiJ है क्या, यानी कि एलिमेंट की वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हम इसकी जस्ट जनरल फॉर्म निकालते हैं जो हमने यहाँ पे इसके लिए निकाली थी। तो 3x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि पक्की बात है इसमें 3 रो होंगे और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो मैं इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, शुरू में समझने के लिए, ये पेपर में नहीं करना है हमें, ये बोर्ड में नहीं करना है, ये जस्ट समझना है शुरू में। पहले अगर समझ गए बाद में प्रैक्टिस होते रहेगी, फिर खुद ही निकाल लोगे कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स या फिर इससे भी बड़ी मैट्रिक्स। तो ये लिख दिया मैंने, 3 एरो बना दिए, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, 3 रो को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि पहली रो, दूसरी रो, देन तीसरी रो, और हमें कितने बनाने, 2 कॉलम बनाने। तो टॉप में मैं 2 एरो और लगा दूंगा, ये किसे डिनोट करेगा, पहले कॉलम को, और ये किसे डिनोट करेगा, दूसरे कॉलम को। अब जनरल फॉर्म लिखनी है, यानी कि इसी फॉर्म में लिखूंगा मैं, एक ही फॉर्म में ही लिखूंगा, अभी वैल्यूज़ नहीं रखनी है हमें, जस्ट जनरल वैल्यू। तो इस पोजीशन में क्या आ गई, A11 आ गया, यानी पहली रो पहला कॉलम, इस पोजीशन में पहला रो दूसरा कॉलम, इस पोजीशन में दूसरा रो पहला कॉलम, इस पोजीशन में दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस पोजीशन में तीसरी रो पहला कॉलम, इस पोजीशन में तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो ये इस मैट्रिक्स की क्या आ गई, जनरल फॉर्म आ गई, जो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे। यहाँ पे अगर बात करी थी हमने सिर्फ क्या, कंस्ट्रक्ट 3x3 की मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हटा के मैं बोलूँ कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स, तो वो इस तरीके से बनेगी। अब इसके बाद समझते हैं कि इसने AiJ की जो वैल्यू दी है हमें, उसका यूज़ क्या करना है हमें। ये जो AiJ है, AiJ = 1/2 mod of i-3j, यहाँ पे इसने लिखा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, AiJ = 1/2 i-3j। i की जगह पे हमने रो की पोजीशन लिखनी है और j की जगह पे कॉलम की पोजीशन लिखनी है। अगर मैं A11 की बात करूँ, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की बात करूँ, जिसमें क्या है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी कितनी है, 1 ही है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग क्या, जस्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 mod of 1-3, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है 1 से ही करना है, तो 1-3 ही आएगा, 1-3 दे देगा -2, मोड लगाए तो बाहर आएगा 2 से 2 गया कितना हो जाएगा, सिर्फ 1। तो यानी कि पहली पोजिशन में हमारा जो एलिमेंट मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलने वाली है। तो क्या मैं इस पूरी मैट्रिक्स को अब ऐसा लिख सकता हूँ, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालते जाएंगे, हमें पहला मिल गया A11 की पोजीशन पे क्या आएगी, जो वैल्यू है वो है 1 है। ऐसे ही हम दूसरी निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे 1 2, यानी कि पहली रो i = 1 और j की जगह पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1/2 i की जगह पर 1-3 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 × 3 = 6, 1-6 -5, बाहर मॉड है प्लस का 5/2, यानी कि इस पोजीशन पे कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, 5/2। तो ये यूज़ होता है इसका, इससे क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं। और कंस्ट्रक्टर 3x2 मैट्रिक्स अगर जनरल फॉर्म में निकालना है, वो मैंने बता ही दिया है किस तरीके से हमें निकालना होता है, किस तरीके से हम आई और जे का यूज़ करते हैं। आई और जे फिर बता दूँ क्या डिनोट करेगा, पोजीशन डिनोट करेगा रो की और कॉलम की। यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना ज़रूरी होता है। ऑर्डर क्या है, 3x2 है, यानी कि 3 रो हैं, 1 2 3, और 2 क्या हैं, कॉलम है। अब तीसरी चीज़ हमें इसमें दोबारा निकालनी होगी A21,
ये हो जाएगा 1/2, आई की जगह पे आएगा 2, 2 माइनस 3, जे की जगह पे 1 है, 2 माइनस 3 कितना देगा -1, बाहर आएगा 1, तो ये वैल्यू कितनी देगा 1/2, तो इस पोजीशन पे वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैं इनडायरेक्ट नंबर की वैल्यूज़ रख देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल के देख सकते हैं। तो 822 की जो वैल्यू निकल रही है वो है हमारे पास 822 इज इक्वल्स टू 2 मिल रहा है, और उसके बाद 831 हमें मिल रहा है 0, और 832 हमें मिल रहा है 3/2। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को क्या रख दूंगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, और ये हो गया 3/2। तो हमें क्या मिल गई, एक पूरी मैट्रिक्स मिल गई, जनरल फॉर्म में नहीं मिली है, उनकी एलिमेंट की वैल्यूज़ तक मिली है, और वो कहाँ से मिली है, इस फॉर्मूले से। और लास्ट में हम इसका ऑर्डर डिफाइन कर देंगे, 3 रो और 2 कॉलम। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। क्या है ये, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की हो सकती है जनरल फॉर्म, कोई भी। हम 3x3, 3x2, 4x4 भी ले सकते थे, जिसमें 4 रो और 4 कॉलम की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे और क्लियर होती रहेंगी चीज़ें। इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।